पहले सीएम नीतीश कुमार के आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पहुंचने से बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई। इस बारे में अब नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुक्रवार को राजद की इफ्तार पार्टी में पहुंचने से बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई। इस बारे में अब सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया। सीएम ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। नीतीश ने कहा कि निमंत्रण आया था तो गए थे, इसके लिए कोई राजनीतिक मायने न निकाले। वहीं डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने सीएम के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर कहा कि कोई यहां न समझे कि वह सरकार में आ रही हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सच नहीं होते। गौरतलब है कि 2017 में महागठबंधन सरकार गिरने के 5 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार रावड़ी आवास पहुंचे थे। दरअसल बौचाहा उपचुनाव में मिली चुनाव जीत के बाद महागठबंधन नए सियासी जोड़ तोड़ की तैयारियों में जुट गए हैं। आरजेडी ने इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी बिछात बिछाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की तरफ से आयोजित इफ्तार में एनडीए के मुकेश सहनी और चिराग पासवान को भी न्योता दिया गया था। हालांकि चिराग पासवान लगातार तेजस्वी और लालू परिवार से नजदीकियां का इशारा करते रहे हैं, लेकिन गठबंधन की संभावना पर फिलहाल चिराग पासवान ने साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।